अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान सादिक और आप देख रहे हैं सैन अली टीवी। दोस्तों आज हम बात करेंगे, ये सैमसंग का सेट है 32 इंच का। ये सेम मॉडल जो है वो आज से तकरीबन एक दो दिन पहले मैंने इसको एक सेट को रिप्लेस किया है, लेकिन उसमें फॉल्ट कुछ टीकॉन बोर्ड का फॉल्ट था। लेकिन ये सेम ये भी सेम ही सेट है, ठीक है, 32 इंच का सेम मॉडल है। तो इसमें फॉल्ट क्या है, इसमें फॉल्ट पावर सप्लाई में फॉल्ट है, ठीक है। तो फॉल्ट मैंने ट्रेस कर लिया है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि इसमें ये इसकी कंडीशन क्या है, ये करता क्या है, ठीक है। मैं इसको पावर देने लगा हूं, ये मैंने पावर दे दी है, तो आप देख सकते हैं कि इसकी लाइट जो है वो ब्लिंक करती है, ठीक है। ये रेड लाइट आप देख सकते हैं ब्लिंक कर रही, तो अभी सेट ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। इतना करती है ब्लिंक होने के बाद ये, यानी कि ना तो यहाँ से फिर दोबारा से स्टैंड बाई का आप बटन प्रेस करेंगे, कुछ भी नहीं रिस्पांस मिलेगा, ठीक है। तो सेट, यानी कि सेट हमारा ऑन नहीं हो रहा। स्टैंड बाई इसकी ओपन होती है, लेकिन स्क्रीन पर हमें कुछ भी नहीं, ना इसके कहीं पर भी इसको वोल्ट नहीं मिल रही। तो इसमें फॉल्ट क्या है, फॉल्ट मैंने ट्रेस किया हुआ है, मैं अभी आपको फॉल्ट भी दिखा देता हूँ कि इसमें फॉल्ट क्या है। तो मैंने प्रॉपर इसके सारे के सारे वोल्टेज चेक किए, बिल्कुल ठीक मिल रहे हैं सब के सब, जहाँ पे वोल्ट मिलने चाहिए, यानी कि प्राइमरी में बिल्कुल पावर ओके है, ठीक है, प्राइमरी में कोई फॉल्ट नहीं है। तो सेकेंडरी में यहाँ पर बस स्टैंड बाई के 5 वोल्ट मिलते हैं, 3.3 वोल्ट मिल रहे हैं, इसके अलावा 5.3 वोल्ट मिल रहे हैं, बस ये 2 पॉइंट पे वोल्ट मिल रहे हैं, इसके अलावा कोई वोल्ट नहीं, ठीक है। तो जब हम इसकी प्राइमरी की बात करते हैं तो बिल्कुल ओके है, कोई फॉल्ट नहीं। तो फॉल्ट बस एक छोटा सा फॉल्ट है, वो मैंने ट्रेस किया अभी, वो बड़ी मुश्किल से मिला है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये फॉल्ट है क्या। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लगा हुआ है इसका मेन कैपेसिटर, ठीक है। इसके साथ ये एक पीएफ पेपर कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके साथ एक यहाँ पे पेपर कैपेसिटर लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये पेपर कैपेसिटर आप देख सकते हैं। इसके साथ ये एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, ठीक है, ये एक पेपर कैपेसिटर है, एक ये पेपर कैपेसिटर है। तो ये जो पेपर कैपेसिटर है, इसकी एक ये जो पेपर कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको इसका एक सिरा जो है वो जला हुआ है, ठीक है। नीचे से जो इसकी एक पिन है, वो पिन जो है वो रिमूव हो चुकी है, ठीक है, वो जल गई है। पेपर क्वेस्ट पीएफ ठीक है, बिल्कुल ओके, इसमें कोई नहीं, बस इसकी एक जो एक इसका पॉइंट है वो जला हुआ है, ठीक है। ये नीचे से मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं ये भी थोड़ा सा ये भी जला हुआ है, ठीक है। ये दोनों जो हैं पेपर के पीएफ के जो पॉइंट हैं वो जले हुए हैं बस, ठीक है। ये इसका पॉइंट भी आप देख सकते हैं, ये भी आपको ब्लैक नज़र आ रहा है, ठीक है। नीचे से इसका भी एक साइड में जला हुआ है और दूसरा इसका भी, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो जी मैंने यहाँ से पीएफ को रिमूव किया, ये आप देख सकते हैं, इसकी एक एक इसकी जो पॉइंट है, एक इसकी ये जला हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से एक ये सेट हमारा ऑन नहीं हो रहा था, ठीक है। स्टैंड बाई ओपन होती है, लेकिन फिर भी सेट में ना इसकी बैकलाइट ऑन होती है, ना इसमें कुछ साउंड वगैरह पिक्चर वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये पीएफ का फॉल्ट है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी मैं इसको दोबारा से रिप्लेस करने लगा हूँ। तो जी फ्रेंड्स, मैंने ऐड कर दिया पीएफ को एक पेपर कैपेसिटर, और इसके अलावा एक इसकी रेजिस्टेंस जी थी वो इसकी डैमेज थी, जिसकी वजह से फॉल्ट आ रहा था। मैं इसको पावर देने लगा, ये मैंने इसको पावर दे दिया। अब हम इस सेट को चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये इसका इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, अभी सेट हमारा आप देख सकते हैं, सेट इस वक्त ओके हो चुका है, ठीक है। तो इसमें फॉल्ट बस इसका पावर सप्लाई का फॉल्ट था, पीएफ पेपर कैपेसिटर, और इसके अलावा वो उसका एक रेजिस्टेंस इसकी डैमेज थी, जिसकी वजह से ये रिजल्ट में देखने को मिला। तो सेट इस वक्त ओके,